अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिशवॉशर में बर्तन किस तरह से लोड करते हैं। अगर डिशवॉशर में बर्तन प्रॉपरली लोड किए जाएं तो डिशवॉशर में बर्तन अच्छे से धुलते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास डॉलेंस DDW1485 इसका मॉडल है डिशवॉशर का, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बर्तन किस तरह से लोड करते हैं। इसमें दो ट्रेज हैं। अपर ट्रे जो है ये फिक्स है, ये बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन ये एडजस्टेबल है, आप इसको ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये इनको पुल करके ऊपर ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और सेकंड जो ट्रे है, सेकंड ट्रे बाहर निकल आती है, आप इसको बाहर निकाल के इसमें बर्तन लोड कर सकते हैं, या इसको अंदर रहने दें, अंदर रहने के साथ ही इसमें बर्तन लोड करें। इसमें ये प्लेट्स की जगह बनी हुई है, और यहाँ पे जो बड़े पतीले हैं, कंटेनर हैं, वो आप रख सकते हैं। इसी तरह ऊपर वाली ट्रे के अंदर आप छोटी प्लेट्स रख सकते हैं, और छोटी प्लेट्स के अलावा यहाँ पे स्पून हैंग कर सकते हैं, और यहाँ पे ये सारी कप्स की जगह है, ये कप्स आप यहाँ पे मग्स वगैरह रख सकते हैं। तो मेरे पास जो बर्तन है, आप देख सकते हैं बर्तनों की क्या कंडीशन है, और काफी ज्यादा बर्तन है। लेकिन एक ये भी ख्याल रखना है कि डिशवॉशर को ओवरलोड नहीं करना, वरना बर्तन सही तरह नहीं धुलेंगे। 14 लोगों का खाने के बर्तन जो है ये डिशवॉशर वॉश कर सकता है, तो उसी हिसाब से आप बर्तन इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरह के अगर बड़े पतीले हैं तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो जिस तरह ये प्लेट है, प्लेट के लिए ये प्लेट रखने की जगह है यहाँ पे, तो कोशिश करें कि प्लेट्स गैप के साथ रखें ताकि प्लेटें अच्छी तरह से धुल सकें। तो वन बाय वन हम बर्तन इसमें रख के बर्तन लोड करते हैं। ये बर्तनों को लोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ये स्पून यहाँ पे हैंग कर दिए हैं, स्पून इस तरह से हैंग होने चाहिए, और इनको आप हॉरिजेंटली भी यूं करके रख सकते हैं। स्पून के लिए कंटेनर भी दिया हुआ है, और अगर आपके पास बर्तन ज़्यादा हैं तो स्पून का कंटेनर यूज़ करने की बजाय आप स्पून्स को इस तरह से हैंग कर सकते हैं। और ये देखें, ये गिलास और ये बर्तन रखे हुए हैं, इस कप्स इस तरह से रखे हुए हैं बिल्कुल साइडों पे। अच्छा, ये इसके अंदर ये फोल्डेबल है, आप इसको अगर यहाँ पे प्लेटें नहीं रखनी तो इसको फोल्ड कर सकते हैं, और फोल्ड करके बर्तनों को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ख्याल रहे कि बर्तनों के ऊपर से ऊपर कोई बर्तन ना आए, ओवरलैप ना करे। मतलब इस तरह से अगर आपने ये बर्तन रखा हुआ है तो इस तरह इसके ऊपर कोई बर्तन ना रखे, ताकि पानी बर्तनों तक सही तरीके से पहुंचे। ये ऊपर वाली ट्रे तकरीबन फुल हो चुकी है, तो इसको हम क्लोज करेंगे। इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखें, इसके नीचे स्पिनर दिया हुआ है पानी का, और इसको हिला के अच्छी तरह चेक कर लें कि ये अच्छी तरह घूम रहा हो, क्योंकि जब डिशवॉशर में बर्तन धोए जाते हैं तो ये अच्छी तरह मूव करता है। तो इस तरह देख लें कोई चम्मच की वजह से ये फंस ना रहा हो, इसको अच्छी तरह से स्पिन करना चाहिए, वरना बर्तन अच्छी तरह नहीं धुलेंगे। तो इसको घुमा के ज़रा चेक कर लें,
और ये अपर ट्रे जो है ये फुल हो चुकी है। नीचे वाली ट्रे के अंदर आप चेक करें, यहाँ पे ये पतीले रखने की बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे फ्राई पैन, और बाकी ये जो जगह है ये प्लेट्स के लिए फिक्स है। यहाँ पे प्लेट्स गैप के साथ होने चाहिए ताकि पानी की जो फुहार है, पानी का जो स्प्रे है, वो अच्छी तरह प्लेटों तक पहुँचे। ये मार्बल की प्लेट भी हैं और ये स्टील की प्लेट्स भी हैं, ये शीशे के बर्तन भी हैं, तो ये आप आराम से इजीली इसको गैप्स के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सेकंड ट्रे भी तकरीबन फुल है और इसके नीचे चेक करें, ये भी इसके नीचे स्प्रेयर दिया हुआ है, तो इसको भी घुमा के चेक कर लें कहीं कोई बर्तन इसके अंदर फंस ना रहा हो। तो इसको इस स्पिनर को घुमा के चेक कर लें ताकि पानी जब इसमें से निकलेगा तो कहीं ये कहीं फंस तो नहीं रहा किसी बर्तन की वजह से, तो इसको घुमा के ज़रा चेक कर लें। ओके है, दोनों ट्रेस फुल हो चुकी हैं। ये कंटेनर टैबलेट के लिए है और ये इसका शाइनर है, तो टैबलेट इसमें इंजर्ट करेंगे। टैबलेट के लिए मैं आपको बता दूं, फिनिश कंपनी की ब्रांड का ये टैबलेट मैंने परचेज़ किया है, 400 रुपये का ये पैकेट है, 10 टैबलेट्स हैं इसके अंदर, तो 40 रुपीज़ की एक टैबलेट है। फिनिश कंपनी की है और किसी छोटे स्टोर पे अवेलेबल नहीं होगी, ये सिर्फ आपको बड़े स्टोर्स पे ही मिलेगी। इम्तियाज़ से लिया है मैंने, इम्तियाज़ में अवेलेबल है। तो ये 10 टैबलेट्स हैं। तो इस टैबलेट को हम इस कंटेनर के अंदर रखेंगे और इसको यहाँ पे पुश कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसका फंक्शन इस तरह से है कि ये तकरीबन 20 से 25 मिनट इसमें प्री वॉश होता है ऑटोमेटिक, उसके बाद ये इसमें ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, तो ये खुद ब खुद ये जो कंटेनर है ओपन हो जाता है और टैबलेट जो है वो यहाँ गिर जाती है। यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ होता है और ये स्प्रेयर जो है उस पानी को ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर से नीचे लेके आते हैं, तो उसी वही पानी यूज होता रहता है। तो ये ख्याल कर लें, ये जो कंटेनर है ये कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक ओपन होगा जब डिशवॉशर चल रहा होगा। तो इस कंटेनर की जगह पे कोई ऐसा बर्तन ना हो कि ये कंटेनर ओपन ही ना हो सके, तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो जिस तरह ये अगर इस तरह से हो तो ये कंटेनर ओपन ही नहीं होगा। तो ख्याल रखें कि कोई भी बर्तन इस टैबलेट के कंटेनर के ओपनर के साथ में अटैच ना हो ताकि ये कंटेनर इजीली ओपन हो सके। तो इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए भी पहले ख्याल रखें कि इसका स्विच ऑफ हो, प्लग निकला हुआ हो, और उसके बाद आपने बर्तन इसमें लोड करने हैं ताकि कहीं अर्थ का इशू ना हो। तो बर्तन अब लोड हो चुके हैं, अब इसका हम स्विच ऑन करेंगे, प्लग लगाएंगे और स्विच ऑन करेंगे। तो इसका प्लग ऑन कर दिया है, जब इसको पुश करेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद ये इसका बीप के साथ ये ऑन हो जाएगा। नॉर्मली मैं जो यूज़ करता हूँ 70 डिग्री पे इसको यूज़ करता हूँ, बर्तन ज़्यादा ऑयली होते हैं तो इसलिए मैं 70 डिग्री ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। और ऑन करने के बाद ये जो टाइम बता रहा है 2 घंटा 50 मिनट का बता रहा है, तो इसको स्टार्ट कर देंगे। तो इसको जब ऑन करेंगे तो इसकी एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी। एलईडी लाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल बर्तन प्री वॉश होंगे और उसके बाद में इसमें टैबलेट से बर्तन धुलेंगे, और एंड जो इसका ऑप्शन है रेड लाइट के साथ में ये एलईडी, तीसरी एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आप
बर्तन इसमें से निकाल सकते हैं, तो डिशवॉशर इस स्टेज पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो जब थर्ड एलईडी लाइट, रेड एलईडी लाइट ऑन हो, तो उसका मतलब यह है कि बर्तन धुल चुके हैं, आप बर्तन निकाल सकते हैं। डॉलेंस डिशवॉशर की अनबॉक्सिंग और इसके तमाम फंक्शंस की डिटेल मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मौजूद है, आप क्लिक करके उनको वॉच कर सकते हैं। तो डॉलेंस डिशवॉशर में बर्तन किस तरह से लोड होते हैं ये मैंने आपको आज डिटेल में बताया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।